हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो जैसा कि मैंने एक वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं एक स्पेशल गॉड फ्यूजन वीडियो बनाने वाला हूँ पोकेमॉन से रिलेटेड। सो या तुम लोग के उस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा स्पैम आए थे कि भाई जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाओ। तो हे हेटर्स मैन, अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपना ऑसम सपोर्ट दिखाओ। और अगर बाई चांस कोई न्यू व्यूअर है और तुमको अगर नहीं पता गॉड फ्यूजन्स क्या होते हैं, तो एक स्पेशल फैनमेड टर्म है जो कि लेजेंडरी पोकेमॉन्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, जहाँ पे दो गॉड लेजेंडरी पोकेमॉन्स आपस में फ्यूज होकर एक तीसरा गॉड फ्यूजन लेजेंडरी पोकेमॉन बनते हैं। अगर बाई चांस तभी तुम्हें नहीं समझ आ रहा तो तुम इस वीडियो का फर्स्ट पॉइंट देख सकते हो। अगर तुम्हें वो इंटरेस्टेड लग गया ना तो तुम इस वीडियो को छोड़े बिना रह नहीं पाओगे, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर वो तुम्हें काफ़ी अच्छा लगेगा। तो अगर हो सके तो लाइक ज़रूर करना, और लाइक तो करना बनता है यार, कम ऑन, मेरे ऑडियंस तो कर ही सकती है। और अगर हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देना अगर ज़्यादा पसंद आ गया तो। सो या लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम लोग जिस पोकेमॉन के बारे में बात करने वाले हैं वो है गॉड फ्यूजन गेवल्टल। एंड आई एम प्रीटी मच श्योर जिसको समझ नहीं आया था गॉड फ्यूजन, वो ये वीडियो देखने के बाद अच्छे तरीके से समझ जाएगा। तुम सबको पता है क्योटिक डिस्ट्रक्शन पोकेमॉन गेवल्टल, तुम सबको पता है ये गॉड ऑफ द डेथ है। मतलब पोकेमॉन में जितनी भी डेथ वगैरह होती हैं वो सब इसके हाथ में, ये चाहे तो किसी को भी एक सेकंड के अंदर मार के खत्म कर सकता है बिना देखे तो हमें पता भी नहीं चलेगा। तो या गेवल्टल की ये पावर है और ये गॉड ऑफ डेथ है पोकेमॉन वर्ल्ड के अंदर। और एंड वॉट इफ अगर मैं तुमसे कहूँ जो गेवल्टल का डिज़ाइन है वो बेसिकली दो लेजेंडरी गॉड पोकेमॉन की फ्यूजन से निकल के बना है, एंड डेफिनेटली तुम लोग बिलीव भी करने लग जाओगे इस वीडियो के बाद। एंड मैं ऐसा नहीं कह रहा वो दोनों सही में फ्यूज हो गए थे गेवल्टल बनने के लिए, नहीं, उन दोनों का डिज़ाइन फ्यूज होकर गेवल्टल जैसा पोकेमॉन बना है। एंड लेट मी टेल यू कैसे। तो तुम लोग को पता होगा कि लूगिया जो है उसको गार्डियन ऑफ द सी कहा जाता है, इसके बावजूद उस पर वाटर टाइपिंग नहीं है। मैं कहता हूँ पोकेमॉन वालों के सस्ते नशे, तो या उसके पास वाटर टाइपिंग नहीं है लेकिन तब भी वो गार्डियन ऑफ द लेक है, ठीक है। और अगर अब हम लोग बात करें डार्करक्राई के बारे में, तो तुम लोग को पता होगा कि डार्करक्राई को ऐसा बैड ड्रीम गॉड कहा जाता है जो कि लोगों को बैड ड्रीम्स दिखाता है। एंड अगर मैं तुम लोग को कहूँ कि गेवल्टल का डिज़ाइन जो है गार्डियन ऑफ द सी यानी कि लूगिया एंड गार्डियन ऑफ द बैड ड्रीम्स यानी कि गेवल्टल डार्करक्राई के डिज़ाइन से इंस्पायर्ड होकर गेवल्टल को बनाया गया है। एंड अगर तुम्हें तब भी समझ नहीं आ रहा तो ये वाला चार्ट देखो, जहाँ पे लूगिया की टाइपिंग जो है वो है साइकिक एंड फ्लाइंग, एंड डार्करक्राई की है डार्क, एंड गेवल्टल की हो जाती है डार्क एंड फ्लाइंग। एंड साथ ही साथ काफ़ी हद तक डिज़ाइन में भी तुम लोग को इम्प्रूवमेंट देखने मिलता है एक दूसरे के बीच में। लाइक तुमने गौर किया होगा कि डार्करक्राई के जो एक धुआं सा उसके गले पे निकलता है वो चीज़ गेवल्टल में भी आ जाता है, और सेम बर्ड लाइक स्ट्रक्चर तुम्हें लूगिया के अंदर भी देखने मिल जाता है। एंड अगर तुम डार्करक्राई का डिज़ाइन लूगिया में डाल दो तो तुम्हें डेफिनेटली गेवल्टल जैसा पोकेमॉन देखने मिलेगा, एंड दैट्स व्हाट इज़ गॉड फ्यूजन। और ऐसी आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ और गॉड फ्यूजन के बारे में बात करने वाले हैं, तो डेफिनेटली तुम लोग को मजा आएगा। तो या अब फाइनली इस वीडियो को शुरू करते हैं। भैया गॉड पोकेमॉन की बात चल रही है और आरकेएस का नाम ना आए पॉसिबल ही नहीं है। तुम सबको बताओ कि आरकेएस का जो डिज़ाइन है वो कुछ हद तक थोड़ा बहुत घोड़े जैसा दिखता है, और थोड़ा बहुत मुझे पता नहीं कि बकरे वाला डिज़ाइन भी इसके अंदर देखने मिल जाता है। इट्स माय थिंकिंग, अब तुम्हारे बारे में पता नहीं, लेकिन जो भी है तुम लोगों को पता होना चाहिए कि आरकेएस की जो नीचे की बॉडी जो है मतलब हेड को हटाकर वो काफ़ी हद तक दूसरे पोकेमॉन से देखे तो वो इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है। एंड अगर तुम्हें तब भी समझ नहीं आ रहा है तो लेट मी टेल यू, अगर तुम आरकेएस की नीचे वाली बॉडी डिज़ाइन लो और उसका बेसिक स्ट्रक्चर लो, और उसको अगर तुम शाइमेन यानी कि तुम लोग को पता होगा द गार्डियन ऑफ द स्काई कहा जाता है शाइमेन को, एंड शाइमेन के अगर स्काई फॉर्म के साथ अगर तुम आरकेएस की फॉर्म को मिलाओ तो गेस व्हाट, तुम्हें कौन सा लेजेंडरी पोकेमॉन देखने मिल सकता है। तो मैं इतना हिंट देता हूँ, वो सबसे वाहियात लेजेंडरी पोकेमॉन है। अगर तुम गेस नहीं कर पाए तो लेट मी टेल यू वो कौन है। अगर तुम आरकेएस की जो नीचे की बॉडी डिज़ाइन है अगर तुम उसको लो और आरकेएस का बेसिक स्ट्रक्चर लो, और उसके साथ अगर तुम शाइमेन यानी कि गार्डियन ऑफ द स्काई के जो उसका ग्रीन पैटर्न और जो उसको थोड़ा मतलब ग्रासलैंड वाला व्यू देता है अगर उसको लो, तो तुम्हें एक स्पेशल काइंड ऑफ लेजेंडरी पोकेमॉन देखने मिलता है। अगर तुमने गेस कर लिया है कि वो कौन सा सबसे ज़्यादा वर्स्ट लेजेंडरी पोकेमॉन है, देन इट्स वेल गुड। अगर तुम्हें नहीं पता तो उसका नाम है विरिज़ियन। विरिज़ियन की बॉडी स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक आरकेएस जैसी है, एंड उसका जो बॉडी पैटर्न है वो शाइमेन जैसा है। अगर तुम ये चार्ट देखो तो काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं कि शाइमेन का एक दूसरा फॉर्म विरिज़ियन, बट एक्चुअली ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब हम लोग जिस गॉड फ्यूजन के बारे में बात करने वाले हैं वो गॉड फ्यूजन है सोलगैलियो और लूनाला। बट बात ये रही कि आखिरकार ये किस दो पोकेमॉन का गॉड फ्यूजन है, तो चलो इसके बारे में बात करते हैं। अगर मैं सोलगैलियो की बात करूँ तो काफ़ी लोग तो ये समझ भी गए होंगे, बट अगर लूनाला की बात करूँ तो काफ़ी लोग को नहीं समझ आया होगा।
डोंट वरी, इस वीडियो के बाद तुम लोग ये भी समझ जाओगे। तो जैसे कि तुम लोग को पता है कि सोल गैलियो और लूनाला जो है वो कॉस्मोएम से इंस्पायर्ड होकर बनाए गए हैं। अगर तुम्हें कॉस्मोएम नहीं पता तो ये उनका एक प्री इवोल्यूशन फॉर्म है जिसको एक पर्टिकुलर बैट फॉर्म दे दिया गया है, वो है लूनाला, एंड पर्टिकुलर सन फॉर्म दे दिया गया है लाइन लुक के साथ, तो वो हो गया सोल गैलियो। लेकिन बात रही कि आखिरकार ये किस दो पोकेमोन का फ्यूजन है, तो चलो यार उसके बारे में बात करते हैं। बट सबसे पहले तुम लोग को ये चीज़ देखनी चाहिए कि कॉस्मोएम का जो डिज़ाइन है वो सोल गैलियो और लूनाला के फेस रिजेंबल करता है। मतलब सेम चीज़ तुम्हें क्रिस्टल फिगर तुम लोग को सोल गैलियो और लूनाला में भी देखने मिलेगा। बट वॉट आई थिंक कि पायरो जो कि कार्लोस का एक नॉर्मल पोकेमोन है, आई नो इट्स नॉट अ गॉड और लेजेंडरी पोकेमोन समथिंग लाइक दैट, बट या ये काफ़ी रेयर पोकेमोन है पायरो, एंड अगर उसके साथ अगर तुम कॉस्मोएम का फिगर अगर तुम मिलाओ तो आई एम प्रीटी मच श्योर तुम लोग को सोल गैलियो जैसा पोकेमोन देखने मिलेगा। लाइक तुम सबको पता है कि सोल गैलियो भी एक लायन बेस्ड पोकेमोन है, बट इतना डिफरेंस आएगा कि कलर में भले ही डिफरेंस आ सकता है। लाइक पायरोल तुम्हें थोड़ा ब्राउन शेड में मिलता है, लेकिन तुम्हें सोल गैलियो प्योर वाइट में देखने मिलता है। अगर तुम अगर कॉस्मोएम का जो क्रिस्टल पैटर्न है अगर तुम वो पायरोल के फेस में लगाओ तो तुम्हें डेफिनेटली सोल गैलियो जैसा लुक देखने मिलेगा। अगर तुम थोड़ा बहुत विजुअलाइज कर सकते हो तो तुम लोग समझ जाओगे मैं क्या कह रहा हूँ। अब बात करते हैं अगर लूनाला के बारे में भी, तो देखो लूनाला को बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, ये कोई गॉड फ्यूजन तो नहीं है बट इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अगर तुम ओलंपिया के बारे में जानते हो जो कि कार्लोस की एक जिम लीडर है, अगर मैं बोलूँ कि इसका एक पोकेमोन वर्जन दिखाओ तो वो रहेगा लूनाला। अगर तुम इसको साइड बाय साइड कंपेयर करना चाहते हो तो हेयर इटस तुम लोग देख सकते हो लाइक दोनों के बीच में कितनी सिमिलरिटी। आई नो इट्स नॉट अ गॉड फ्यूजन बट ये फैक्ट है जो कि मुझे तुम लोग के साथ शेयर करना था। तुम लोग देख सकते हो लाइक ओलंपिया और लूनाला के बीच में कितनी सिमिलरिटी है। नेक्स्ट पोकेमोन की जो मैं फैक्ट बताने जा रहा हूँ वो साथ ही साथ तुम्हें थ्योरी और गॉड फ्यूजन दोनों की वाइब देगा। लाइक गिव पॉइंट काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है एंड तुम लोग को डेफिनेटली पसंद आएगा। तुम सबको पता है कि टोगेकिस को लेजेंडरी या माइथिकल पोकेमोन तो नहीं है बट इसको ऐसा गार्डियन पोकेमोन माना जाता है जोटो रीजन के अंदर, और इसको इक्वल लेजेंडरी और माइथिकल जैसा ही सम्मान दिया जाता है जोटो रीजन के अंदर। और अगर हम लोग बात करें लैटियोस और लैटियोस के बारे में भी, तो इसको भी जोटो रीजन में एज अ गार्डियन पोकेमोन माना जाता है। और तुम लोग को पता होगा कि एक काफ़ी कमाल की थ्योरी है जिसके अकॉर्डिंग जो लैटियोस और लैटियोस होते हैं वो टोगेकिस का इवॉल्व फॉर्म है। अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा तो जब टोगेकिस का तुम लोगों को पता होगा जेंडर रेशियो जो है वो 50% मेल और 50% फीमेल होता है। 50% मेल वाला आगे जाकर लैटियोस बन जाता है और फीमेल वाला आगे जाकर लैटियोस। अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा तो बेसिकली थ्योरी है और साथ साथ गॉड फ्यूजन, तुम लोग देख सकते हो दोनों के बीच में कितनी ज़्यादा सिमिलैरिटी है। अगर तुम तब भी विजुअलाइज नहीं कर पा रहे तो अब मैं तुम्हें एक इमेज दिखाने जा रहा हूँ जिसके अकॉर्डिंग तुम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से विजुअलाइज कर पाओगे। तुम लोग देख सकते हो जो लैटियोस और लैटियोस है दोनों की बॉडी में एक ट्राइंगल टाइप का एक डिज़ाइन है, अगर तुम गौर करो तो तुम देख पाओगे, और साथ ही साथ एक जेट लाइक स्ट्रक्चर भी बना रखा है। और अगर तुम लोग टोगेकिस का एक बेटा फॉर्म देखना चाहोगे, बेटा फॉर्म वो होता है जो फाइनल डिज़ाइन से पहले आता है, तुम लोग देख सकते हो उसमें ट्राइंगल है और जेट डिज़ाइन जैसा कुछ बनाया गया है। तुम लोग देख सकते हो लाइक लैटियोस और लैटियोस और टोगेकिस के बीच में कितना ज़्यादा सिमिलैरिटी है। तो वॉट आई वॉन्ट टू से कि लैटियोस और लैटियास का गॉड फ्यूजन जो है वो टोगेकिस जैसा कुछ दिखेगा। फाइनल पॉइंट में आगे बढ़ने से पहले अगर तुम लोग को वीडियो में मज़ा आ रहा है और ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने का मन करता है तुम्हारा, तो या सब्सक्राइब करो ना यार, और साथ वाले बेल आइकन चेक करो क्योंकि काफ़ी लोगों को नोटिफिकेशन की प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट गॉड फ्यूजन तो हम लोग को खुद एनिमे के अंदर देखने मिला है, और आई शुड से मांगा के अंदर। सो या ये मांगा के अंदर हम लोग को देखने मिला है, लेकिन उससे पहले एक फैक्ट को डिस्कस करते हैं। तुम लोग को पता होगा कि जो म्यूथ्री जो मेगा इवोल्यूशन था म्यूटू का, वो कार्लोस रीजन से पहले आ गया था। मतलब उस वक्त जो मेगा इवोल्यूशन आया ही नहीं था, तब म्यूटू का मेगा इवोल्यूशन हम लोग को यूनोवा की एक मूवी में दिखा दिया गया था, जो कि फैंस को ऑलमोस्ट लाइक शॉक कर दिया, भाई ये क्या चीज़ है। तो लोगों ने उसको म्यूथ्री और म्यूफोर जैसा नाम देने लग गए। बट व्हाट आई वांट टू से कि अब तो तुम लोगों को पता है वो मेगा इवोल्यूशन है, लेकिन अगर मैं तुम लोग से कहूँ कि फाइनली हम लोग को म्यूथ्री और म्यूफोर जैसा पोकेमोन एनिमे के अंदर तो नहीं लेकिन मांगा के अंदर देखने मिला है, तो देखो मैं स्टोरी बनाता हूँ तो देखो तुम्हें क्या होता है। लाइक जियोवानी के पास जो है ना वो म्यूटू हुआ करता है, तुम लोग को पता है पोकेमोन रेड एडवेंचर के वक्त। तो एक बार क्या होता है, जो रेड का क्लिफेरी होता है वो म्यूटू से काफ़ी ज़्यादा जेलस करता है। लाइक तुम सबको पता है क्लिफेरी नहीं जीत सकता म्यूटू से, तो वो क्या करता है कि म्यूटू का किसी तरह वो DNA चुराता है एंड वो जाता है बिल के लैब में। तुम लोग को पता होगा बिल का लैब जो है वहाँ पे तुम दो पोकेमोन को फ्यूज़ कर सकते हो, या एक ह्यूमन और एक पोकेमोन को। तो क्लिफेरी क्या करता है, बिल के मदद से अपने आप को म्यूटू के साथ DNA फ्यूजन कर देता है और वो बन जाता है म्यूथ्री। एंड ये रेड एडवेंचर के चैप्टर में है। अगर तुम बल्बापीडिया में भी देखो, जो कि पोकेमोन की एक ऑफिशियल साइट है जहाँ से तुम पोकेमोन के नॉलेज ले सकते हो, तो वहाँ पे भी तुम लोग को ये देखने मिलेगा। एंड व्हाट आई वांट टू से कि ये है गॉड फ्यूजन क्लिफेरी और म्यूटू का, जो कि है म्यूथ्री और फाइनली एक रियल पोकेमोन है। अगर तब भी तुम लोग खुद अपने आँखों से देखना चाहते हो तो तुम लोग क्रोम पे सर्च कर सकते हो रेड क्लिफेरी म्यूथ्री फॉर्म,
तुम लोग को देखने मिल जाएगा एक एपिसोड और शायद से तुम लोग को पढ़ने ही मिल जाए बल्बपीडिया के अंदर, जहाँ पे तुम लोग को पता चल जाएगा कि ये फॉर्म एक रियल फॉर्म है। आई नो इसको म्यूथ्री जैसा नाम नहीं दिया गया है, ये खुद क्लिफेरी ने उस एपिसोड में कहा था कि लेट्स सी नाउ आई एम म्यूथ्री, ऐसा खुद मांगा के अंदर लिखा था। तुम लोग पढ़ोगे तो तुम लोग को खुद समझ आ जाएगा, तुम लोग बस सर्च कर देना रेड क्लिफेरी म्यूथ्री फॉर्म, तुम लोग को खुद जाने मिल जाएगा। एंड बताओ तुम लोग को आज की गॉड फ्यूजन वीडियो कैसी लगी। एंड बस मैं इतनी गॉड फ्यूजन ढूंढ पाया, लाइक काफ़ी टफ था। अगर तुम्हें तब भी कोई और गॉड फ्यूजन पता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, अगर मुझे ज़्यादा मिल जाते हैं तुम लोग के थ्रू तो मैं शायद से एक न्यू वीडियो बना दूँ जो कि तुम लोग को भी पसंद आया करेगी। एंड हो सके तो अपने कमेंट जरूर बताओ गॉड फ्यूजन से रिलेटेड तुम्हारे क्या ओपिनियंस है, तुम किसका गॉड फ्यूजन देखना चाहोगे। मिलता तुम लोग से अगली वीडियो में, तब तक पोके किसका आंसर दे दो तुम्हारे सामने है। वीडियो को लाइक करो अभी तक नहीं किया तो यार कम ऑन, 5000 लाइक किए तुम लोग कर सकते हो, चाहे बहनों तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता तुम लोग से अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।